तो यात्रियों को मना करने पर ऑटो चालकों पर 500 का जुर्माना, 8 महीने में 4 लाख की वसूली की गई है। मीरा भाईंदर की एक खबर बता रहे हैं हम आपको, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, मीरा भाईंदर में अब ऑटो चालकों की खैर नहीं। मीरा भाईंदर वसे विरार पुलिस से जुड़े यातायात विभाग ने पिछले दिनों शहर में यात्रियों की सवारी से मना करने पर लगभग 6,500 ऑटो चालकों से 3,76,000 का जुर्माना वसूला। आपको बता दें कि शिकायत करने को कहा गया है जत्ता से, और इसके साथ ही विभाग ने डमी पैसेंजर्स भी बनाकर भेजे ताकि ये पता लगा सके कि कौन से रिक्शा चालक पैसेंजर्स को नहीं बिठाते हैं। रिक्शा खाली होने पर भी पहली बार पकड़े जाने पर 500 का जुर्माना, दूसरी बार भी अगर उसी ऑटो रिक्शा चालक की शिकायत आई तो फिर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 7710012897 पर कॉल कर आप ऑटो चालक की कंप्लेंट कर सकते हैं। ऑटो की एक फोटो खींच लीजिए। बता दें दोनों शहरों में 10,000 से अधिक ऑटो रिक्शा है, हालांकि इसमें से सैकड़ों वैध परमिट है, वैध CNG सिलेंडर और यहां तक कि फिटनेस प्रमाण पत्र को इंगित करने के लिए अनुपालन प्लेट चला रहे हैं। कई लोगों ने अपने अधिकृत जीवन काल 16 वर्ष को पार कर लिया है लेकिन वे अभी भी काम कर रहे हैं। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।